so now we will discuss under the main health risk one of them is environmental threat the lives of all children are existentially threatened by greenhouse gas emissions leading to climate change children's lives today and future existence are at risk from rising sea levels extreme weather events water and food insecurity heat stress इमर्जिंग इन्फेक्शियस डिजीज एंड लार्ज स्केल पापोलेशन माइग्रेशन देखिए हम ये समझते हैं कि सबसे ज़्यादा जो थ्रेट्स बढ़ गए हैं बच्चों के लिए और जो सबसे ज़्यादा उनकी सर्वाइवल में मुश्किल पेश आ रही है वो एनवायरमेंटल थ्रेट्स हैं सबसे पहले तो जो ग्रीन हाउस गैस एमिशनस हैं वो वक्त से पहले वो वही बात है कि जब बहुत ज़्यादा पॉल्यूशनस पैदा होगी दुनिया के अंदर इंडस्ट्री की वजह से व्हीकल्स की वजह से और बहुत से ऐसे ब्रिचेज भी हैं जाहिर है कुछ धमाके भी किए जाते हैं तो वो जो हमारा एक हिफाजती कुर्रा था हमारे इर्द गिर्द उसको नुकसान पहुंचा है जिसकी वजह से जो ख़तरनाक रेजेस हैं वो फ़ज़ा में रुकना शुरू हो गई हैं और ये सारे बच्चों के लिए इसमें एलर्जीज भी हैं स्किन प्रॉब्लम भी हैं और उनको सांस के भी मसाइल हैं ये सारे ग्रीन हाउस एमिशनस की वजह से हैं फिर वेदर एक्सट्रीम हो रहा है आप देख रहे हैं कि गर्मी पहले से ज़्यादा गर्म है सर्दी पहले से ज़्यादा शदीद है फिर उसी का असर है कि जब आपके पहाड़ों के ऊपर जो ग्लेशियर्स हैं वो तो जब पिघल जा रहे होते हैं तो सैलाब भी ज़्यादा आते हैं तो पूरा एक एनवायरमेंटल स्टेज जो है वो आपका चेंज हो गया हुआ है ऐसे सूरत में जब कहीं भी फैमिलीज को या जो भी रेजिडेंशियल एरियाज़ हैं उनमें जब मसाइल बनते हैं तो सबसे पहले हमारे ज़्यादातर बल छोटे बच्चे हैं चूँकि वो नाजुक हैं और उनकी जो मुदाफ़ियाती निज़ाम है वो कम होता है दूसरों की नस्बत तो वो ज़्यादा मुतासर होते हैं फिर ज़ाहिर है जैसे हम अर्ज करें कि हमारे पाकिस्तान के अंदर और पूरी दुनिया में जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं या अंडर डिवेलप कंट्रीज़ हैं वहाँ बच्चों को सेफ़ पानी मुहैया नहीं हमारे ही मुल्क के बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ पर बड़ी दूर से पानी लाना पड़ता है और फिर भी बच्चे सेफ़ और साफ सुथरा पानी नहीं पी सकते फिर इसके अलावा कुछ साल ऐसे गुजरे हैं कि इन्फेक्शियस डिज़ीज़ बहुत ज़्यादा आ गई दुनिया के अंदर अब वो इन्फेक्शस डिजीजेस का एक वो पूरा एमबियम बन जाता है जिसमें कि बड़े और छोटे बच्चे सारे ही एक साथ उनका उसका शिकार होते हैं क्योंकि छोटे बच्चों का मुदाफियाती निज़ाम बड़ों की नस्बत और भी कम है तो उनके लिए ये थ्रेट्स और भी ज़्यादा ख़तरनाक हैं फिर जैसे हम बात कर रहे थे कि जब एक इलाके में कोई आसमानी आफत आती है या ज़मीनी आफत आती है तो फैमिलीज़ वहाँ से निकल कर फिर दूसरे इलाक़ों में माइग्रेट करते हैं तो बुनियादी तौर पर किसी का अपना घर जब छिनता है वो नई जगहों पे जाता है जहां ज्यादा इंतजाम नहीं है उस तरह से जैसा कि उनके घर में थे तो भी बच्चे उससे सफर करते हैं तो इस सिलसिले में अर्जेंट एक्शन इज नीडेड टू रिड्यूस कार्बन एमिशन इन ऑर्डर टू कीप वार्मिंग बिलो 1.5 पॉइंट सेंटीग्रेड एंड एम्प्लीमेंट द प्रोविजन ऑफ द 2015 थाउजेंड फिफ्टीन पैरिस एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज अब पैरिस में एक एग्रीमेंट हुआ था कि पूरी दुनिया क्लाइमेट चेंज के लिए काम करेगी मसलन अपने इंडस्ट्रीज़ को वो इसके पाबंद बनाएंगे कि वो जो बहुत ज़्यादा जहरीले धुएँ हैं या वो गैसेज हैं वो ना छोड़ें और फिर ये कि व्हीकल्स ऐसी तैयार की जाएं या जो चल रही हैं इस वक्त उनके ऊपर कंट्रोल किया जाए कि वो ज़्यादा धुआं ख़तरनाक या कार्बन के जो और मोनोआक्साइड वग़ैरह इस तरह की जहरीली गैसें ना छोड़ें फिर आपने देखा है कि हमारी दुनिया के अंदर बहुत सा ऐसा जो वेस्ट मटेरियल है वो ताज़ा पानी या दरियाओं या समंदरों के अंदर फेंका जाता है तो जो समंदरों के अंदर मखलूक है या दरियाओं के अंदर मखलूक है वो खुद तो नुकसान उठाती ही है उसका उससे बहुत से दरियाई और समंदरी जानवर जो हैं वो हलाक हो जाते हैं या बीमार पड़ जाते हैं लेकिन उनको खाने के लिए जो सी फूड पूरी दुनिया के अंदर बच्चों को या बड़ों को मिलती है वो भी तो फिर कंटेम्पलेटेड हो जाती है ना वो भी जहरीली हो जाती है फिर इन्हीं बीमारियों की वजह से जो इन्फेक्श डिज़ीज़ की हमने बात की आपके बहुत से खाने के जो मीट सोर्सेज हैं जैसे चिकन है मटन है बीफ है ये वो जो हमारे खाने के प्रोटीन के सोर्सेज हैं वहाँ तक जानवर हैं तो वो भी ज़ाहिर है जब हालात बदलते हैं एनवायरनमेंट में चेंजेस आती हैं तो वो भी उसका शिकार होते हैं तो ये सारी चीज़ें मिलके बच्चों को पहले से ज़्यादा कहीं ख़तरनाक चीज़ें मुहैया हो रही हैं ज़ाहिर है वो कब तक इसको इस, इस मुदाफियाती नज़ाम के बल पे उनका सामना करेंगे तो ये एक हमने जो पैरिस में एक माहिदा किया था पूरी दुनिया के लोगों ने मिल के और काफ़ी लोग इसके सिग्नेटरीज हैं कि भाई जितने भी पॉल्यूशन के सोर्सेज हैं उनको द, उनको ख़त्म किया जाए उनको कंट्रोल किया जाए खासतौर पर जैसे अब हमारे इलाकों में स्मोक फैल जाती है बड़े शहरों में ख़ास तौर पर तो स्मोक के लिए कम से कम व्हीकल्स जो है वो चलें और इस तरह लोग कम से कम बाहर निकलें ताकि स्मोक ना फैले उससे बड़ी शदीद बीमारियाँ सांस की एलर्जी की काफ़ी बीमारियाँ फैलती हैं तो पूरी दुनिया को अपने आने वाली नस्लों की हिफाजत के लिए इन एनवायरमेंटल चेंजेस को कंट्रोल करना होगा मुकम्मल तौर पे ना सही लेकिन रिड्यूस करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए ताकि कुछ तो हालात में बेहतरी आए